पीएसईबी चौकी अंतर्गत बुधवार बस्ती में असामाजिक तत्वों का आतंक है। आए दिन कुछ न कुछ घटना को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी तीन कारों को तोड़कर तोड़फोड़ करते हुए गाड़ी के महंगे पार्ट्स की चोरी कर ले गए। और वाहन मालिकों की माने तो शाम होते ही बस्ती में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो जाता है और मना करने पर गाली गलौज भी करने लगते हैं। बीते रात को कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था और होना हो ये उन्हीं युवकों की करतूत हो सकती है। घटना की सूचना पर पहुंची सीएसईबी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर कार्रवाई की बात कही। युवकों की तलाश में जुट गए हैं। तो उठा भी नहीं था, मेरे पड़ोसी लोग बताने गए कि आपकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया है करके पत्थर मार के। तो मैं आया देखते देखते मेरे दोनों बेटे लोग भी आए, देखे तो दो गाड़ी का और फूटा हुआ कांच था। हमारे पड़ोसी जो खड़े हुए हैं इनका गाड़ी तो देखा था हमने इसको, बाद में फिर देखा क्या क्या हुआ करके, तो देखा था इसमें पत्थर भी पड़ा हुआ है ईंट का, प्लस पीछे खोल के देखे आगे ढाके तो इसमें हमारा बफे सिस्टम था, ये बड़ा म्यूजिक सिस्टम, वो एक इसका एक एम्पलीफायर रहता उसको भी चोरी कर लिया। बजे तो बारह बजे से बीच के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, ताकि मेरे पिताजी का दस्कर्म आया, उसके बाद हम लोग घर चले गए। उसके बाद ही घटना हुआ है और इससे पहले एक बार और घटना हो चुका है। तो मैं उस समय सोचा कि बच्चे खेलते हुए पत्थर मार दिए होंगे, है ना। तो अब मेरे को लगता है कि उस समय भी ये नुकसान आदमी किया है जानबूझकर। गाड़ी टूटने की जानकारी मुझे सुबह मिली और मेरा दुकान है दीपका में, 8 बजे डेली मैं ला के खड़ा कर देता हूँ, 8-9 बजे रात को खड़ा करके गया। सुबह जानकारी मिली। क्या नुकसान क्या क्या हुआ? सामने का ग्लास टूटा है और अभी तीसरी बार है मेरे से। वो चोरी और चोरी हुई है, इसके रिपोर्ट पर चौकी में 300-427 का मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है। इसी के ऊपर कोई शंका जाहिर किए क्या? कुछ लोगों का सामने है, मामला आपसी अभी से संबंधित भी हो सकता है और अभी कुछ कहना मुश्किल है, जांच कर रहा है। पन्ना जिले में